इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, और कल है मंथली एक्सपायरी तो काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही काम करिएगा, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पर हो सकते हैं डाटा पे, पे और समझेंगे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसा डाटा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो अराउंड आपकी 15,800 के पास क्लोजिंग आई है, 15,799 की क्लोजिंग है, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है आपकी 33,270 की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा की। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें, आज का ट्रेडिंग सेशन एक गैप डाउन ट्रेडिंग सेशन था। निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट बैंक निफ्टी पूरे दिन साइडवेज रहा यहाँ पे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो कल के लिए आपके पास जैसे क्यूज आएंगे उसको हम उसके लेवल से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली चीज़, 15,800 की जो पुट है वहाँ पे आप देखो करीब 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, कॉल की बात करें तो 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 15,800 की कॉल पे दिख रहा है। 15,700 की कॉल पे सिर्फ 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 15,700 की जो पुट है वहाँ पे 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा था, बट एंड ऑफ द डे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, तो यहाँ पर कह सकते हैं लोग अपना प्रॉफिट लेके निकले हैं। 15,900 की बात करें तो कॉल साइड पे 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और पुट साइड पे करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि 15,700 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तभी हम सेल करेंगे, और 15,900 के ऊपर जाएगा तो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ 15,700 से लेकर 15,900 की ये रेंज हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सारी लाइनें हटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली पिक्चर समझ में आए। यहाँ पे हम सबसे पहले लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर हम देखें यहाँ पे कि आज का हाई था अराउंड आपका 15,861 का, अगर हम करेंटली देखें तो ग्लोबल मार्केट की एक बार सिचुएशन देख लेते हैं, फिर निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं, डाउ फ्यूचर करीब 29 पॉइंट डाउन है, नैस्डेक फ्यूचर 39 पॉइंट है, यूरोपियन मार्केट करीब 2-2% डाउन है। ठीक है ना, जिसमें डेक्स 2% है, बाकी 1-1% डाउन है। जाहिर सी बात है, कल ऑलमोस्ट नैस्डेक डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर ये गिरावट कंटिन्यू होती है तो कल हम नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ये गिरावट कंटिन्यू नहीं होती है, आज हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो हम कल पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आज अगर नैस्डेक मान लीजिए 100-150 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता है, ठीक है, और डाउ जोन्स करीब 100 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता है, या फिर फर्दर गिरावट भी नहीं आती है, तो अभी हम यहाँ पे कल पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आज गिरावट आती है, ठीक है, बड़ी गिरावट आती है, तो फिर हम कल नेगेटिव ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्यूज़। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहली चीज़ आती है निफ्टी में, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपके पास यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, उस पर आपको फोकस ज़रूर रखना है। ठीक है, इस हाई को मैच कर लीजिए इस हाई से। ठीक है, ओके, जब तक आप इसके ऊपर नहीं निकलोगे तब तक आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय नहीं करना है। ठीक है ना, जब तक आप इसके ऊपर नहीं निकलते, इसके ऊपर एक बार निकल जाओगे तो आप बाय करके काम कर सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ठीक है, नीचे की साइड अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली इसने आज भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, कल हमने यहाँ से इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली, आज भी इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। तो जब तक 15,700 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते तब तक हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। 15,700 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं देन 15,600 हमारे लिए टारगेट होगा, और 15,600 के नीचे फिसले तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका अराउंड 15,530 का। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो एरिया होगा ना, ये एरिया काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का एरिया होगा, तो यहाँ तक आप आ सकते हो, यहाँ पे आके निफ्टी होल्ड कर सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर ये कल फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है देन हमारे पास 16,000 का टारगेट क्लियरली ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको पहला टारगेट ये मिल जाएगा आपको, फिर दूसरा टारगेट आपके पास 16,000 का होगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बट ये तभी होगा अगर आज ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में
रखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक बन रहा है। अगर निफ्टी के हिसाब से तो हम देखा जाए तो थोड़े से पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि नीचे हम कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहे हैं। तो 15,700 के आसपास अगर ये आता है और हॉल्ट करता है तो हम दोबारा से एक बार रिकवरी के लिए बाय करके काम कर सकते हैं, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। सेल हम तभी करेंगे जब ये 15,680 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तभी हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे। तो हमारे पास बाइंग के लेवल है, सेलिंग के लेवल है, इन्हीं के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है कल भी आज भी, बट कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ ये कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दिया है। तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, आज का हाई मार्क कर लीजिए। अगर हम आज के हाई के ऊपर निकलते हैं कल तो हम एक बार बाय करके काम करेंगे, टारगेट हमारे पास है 33,750 का। ठीक है, और अगर इसके ऊपर भी निकल गए तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 34,000 है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना ये एक गैप है जिस गैप को ही फिल कर सकता है, 33,500 ये ब्रेक कर देगा अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया और ट्रेड करना स्टार्ट किया, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। नीचे अगर ये 33,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, मान लीजिए 33,200 के नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास है 33,000, और अगर 33,000 के नीचे गया तो फिर आपके पास 32,750 आपके लिए टारगेट ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बट कंटिन्यूसली ये कंसोलिडेशन दे रहा है तो ये समझ लीजिए कल जो मूवमेंट होगा वो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ट्रेड करेंगे तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा अराउंड 33,750 या फिर 34,000 तक, और अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहे, मान लीजिए 100-150 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है और आज भी गिर के बंद होता है, तो फिर ये नीचे 32,750 तक जाने की कोशिश कर सकता है। एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है तो वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ज़्यादा जा रहा है, तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ और देखूँ आपके लिए, तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जिस पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। आप यहाँ से इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसने आज भी इसी के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। कल इसने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी बट हाई के ऊपर नहीं निकल पाया। ठीक है, आज भी इसने कोशिश कर रहा था बट नहीं निकल पाया। अगर कल ये इसी लेवल पे हॉल्ट करता रहता है, मान लीजिए ये खुला और यहीं पे हॉल्ट करता रहता है, तो फिर आपको सेकेंड हाफ में एक ऊपर की साइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि नीचे इसके पास क्या है, कंटिन्यूसली सपोर्ट के एरिया यहाँ पे बने हुए हैं, तो किसी भी लेवल से सपोर्ट आ जाता है और यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार यहाँ पे डे चार्ट पे भी देख लेते हैं करेंटली कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो डे चार्ट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो एक ऑलमोस्ट एक डोजी टाइप की कैंडल आज बनी, कल बनी, परसों हमने ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था, तो ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट का एरिया है तो उसी के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, और अगर नीचे के हम बात करें नीचे से, ये सारी लाइनें मैं हटा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ी सी और पिक्चर ठीक है क्लियर दिखाई दे। अगर मैं इस लो को और इस लो से मैच करूं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि नीचे अराउंड इसको 33,000 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, और ऊपर ये इसका एक रेजिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जो इसकी चल रही है। ठीक है, चाहो तो आप इसको इस हाई से ही मैच कर लो। ओके, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल पैटर्न है थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है, ये एक सपोर्ट का एरिया है 33,000। किसी भी रीज़न से मॉर्निंग में कोई भी फास्ट सेलिंग से यानी शार्प सेलिंग से 33,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक बार बाय करके काम किया जा सकता है। ऊपर फिर ये दोबारा से अराउंड 33,400 तक या 500 तक इजीली जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेम चीज़ आपको निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज रिलायंस थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस आईटी स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो निफ्टी में आप थोड़ा सा ये समझ के चलिए कि ये जो 15,650 के आसपास का लेवल है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कल अगर ऊपर के लेवल पे एक्सपायरी होती है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मंथली क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग हमें दिख रही है, क्योंकि
क्योंकि मंथ में आप काफ़ी नीचे जाके क्लोज हो रहे हो, तो ये फॉलो अप सेलिंग में काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं सेंटिमेंट को बिगाड़ सकती है। अगर हम कल 15,700 या 15,600-500 के आसपास एक्सपायरी देते हैं, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट के ऑलरेडी मैं सिचुएशन बता चुका हूँ आपको यहाँ पे कि करीब करीब थोड़ा सा नेगेटिव ही कामकाज कर रहे हैं, तो इन पे ज़्यादा आपको फोकस रखना ही है। अगर यहाँ पे सेलिंग बढ़ती है तो हमें भी ऊपर टिकने में यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।